फोनरवा का चुनाव आज है और आप देख सकते हैं कि मतदाता जो है मतदान करने के लिए आए हैं। 208 मतदाता हैं जो आज जो है अपना मतदान करेंगे और मतदान करने के बाद जो है तकरीबन 2 बजे के बाद जो है मतगणना भी आज के ही दिन होगी, जिससे कि जो यहां के जो 3 पैनल यहां उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 3 पैनल के तकरीबन माना जाए तो 47 उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए हैं, जिनकी जो किस्मत जो है आज इस पेटी में बंद हो जाएगी और 2-3 बजे के बाद जो है ये पेटी खुलनी शुरू होगी, जिसमें पता चल जाएगा कि आखिरकार जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो जीतता है। 3 पैनल है, तिकोणिया मुकाबला है, पहला मुकाबला सुरेश तिवारी और दूसरा जो है पैनल योगिंदर शर्मा और तीसरा इंडिविजुअल जो है वो सुखदेव शर्मा। 3 पैनल यहाँ तिकोणिया मुकाबला है, जिसमें लगातार जो है फाइट चल रही थी, चुनाव प्रचार जारी था, आज का दिन का इंतजार था मतदाताओं को। 208 मतदाता हैं जो अपना मतदान करेंगे। शुरू हो चुका है, 9:30 बजे शुरू होना था, पर लेकिन 20 मिनट लेट जो है मतदान शुरू हुआ है, जिसको लेकर जो है चुनाव अधिकारी ने यह कहा है कि 20 मिनट जो लेट हुआ है वो आखिरी टाइम पे जो है जब चुनाव मतदान का समय जब खत्म होगा तो उसमें 20 मिनट ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि किसी की जो भी समस्या, कोई भी समस्या का सामना किसी मतदाता को नहीं करना पड़ेगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, तकरीबन 2 या 3 थाने की जो है पुलिस फोर्स यहाँ जो है व्यवस्था रखी गई है, जिससे कि कोई भी मतदाताओं को असुविधा ना हो और वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि 3 बजे के बाद जब ये पेटियाँ खुलनी शुरू हो जाएगी, जिसमें कि जितने भी उम्मीदवारों की जो इस पेटियों में किस्मत कैद है, अब क्या रंग लाती है, क्या उनकी मेहनत क्या सफल होती है कि जिससे वो इस बार की जो फोनरवा चुनाव में क्या वो जीत हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन लोकेश के साथ रोहित शर्मा, न्यूज नोएडा।